अल्लाह ताला की जात बड़ी है, इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। इमरान खान जिंदाबाद। हमें शॉट देने वाला इमरान खान है और इंतजामिया ने आज बहुत गलत किया है। बहुत स्लो वोटिंग थी, हमारी वाम ज्यादा थी वोटिंग डालने के लिए, जो इंतजामिया के इंतजाम बहुत स्लो थे। इस दफा भी ना नून लीग वालों ने दादरी करने की पूरी कोशिश की है। वो एक बैलेट पेपर होता है कौमी असम्बली का, एक होता है अपना सूबाई असम्बली का। सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर के ऊपर अगर एम पी का निशान बना हुआ है रेडियो, तो वो एक निशान रेडियो का कौमी असम्बली के ऊपर भी बना हुआ है। तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं समझ सकते, वो सफेद पेपर पर निशान लगाने की बजाय वो सुबह पेपर पर निशान लगा देते हैं। हाँ, उल्ट हो जाता है, गरीब लोगों का वोट जाया हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट पाते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह वोट तो डाला, लेकिन हमारी बहुत सी आवाम ना धोखे में रह गई है। वो इसलिए कि हमारे एक कैंडिडेट को रेडुआ मिला और एक को बोतल। इधर भी आप देखें कौमी असम्बली पे रेडुआ और बोतल है, और आप इधर भी गौर कर सकते हैं बोतल और रेडुआ है। हमारी जो आवाम को नहीं पता चलता वो धोखा खा जाती है, हमारा वोट जाया करवा रहे हैं ये लोग। अब किसी ने रेडवे में डाला, अगर इधर रेडवे में डाल दिया तो हमारा ये सुबाई का जाया हो गया। इस पे डाला तो ये जाया। हाँ, तो ये हमारे साथ ये भी एक धोखा किया इन लोगों ने, लेकिन अल्लाह ताला की जात बड़ी है, इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। हमारी ये दिल से दुआ है। इमरान खान जिंदाबाद। इसके अलावा कोई और दुश्वारी का सामना करना पड़ा? बहुत बड़ी, यही बड़ा बहुत बड़ा धोखा इंतजामिया की जानिब से। इंतजामिया की तरफ से तो ठीक था, लेकिन ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा ब्लफ हुआ। इस पे गौर करना चाहिए। हमारी हुकूमतों को भी, हमारे जो असास अदारे हैं, हमारे जो फौज है, उनको गौर करना चाहिए। जो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इससे हमारे लोगों को बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने पोस्ट कार्ड जी कैसे? कैसा रहा आपका जी? अलहमदुल्ला ठीक है जी। ठीक है। इंतजामिया की तरफ से कोई शिकायत, कोई दुश्वारी? कोई शिकायत? सिक्योरिटी के हवाले से कोई? कोई शिकायत? सब ठीक है। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये है कि सिक्योरिटी का तो बहुत अच्छा रेंज था, तकरीबन कोई ऐसा मसला हमारे इलाके में तो फिलहाल कोई नहीं ऐसा हुआ। लेकिन ये है कि पोलिंग स्लो बहुत थी पहले वक्त में। तकरीबन मैंने 11 बजे वोट कास्ट किया, उस वक्त तकरीबन मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे हैं, यानी कि ना अंदर। तो ये परेशानी है कि अब लेडीज का इधर भी ऐसे टर्नआउट कम है, यानी कि तो, लेकिन आवाम निकले तो काफ़ी हैं, लेकिन ज़ाहरा जब ये गिनती होगी शाम को पता चलेगा, तो फिर टर्नआउट का पता चल जाएगा। आप मुतमिन अपने? हाँ जी इंशाल्लाह। के वैसे जो है था ना कि रिगिंग बहुत हो रही है, या वो वैसे नजर नहीं आया। बाद में ये नहीं कहेंगे कि धांधली हुई? हाँ जी, यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सेटिस्फाई है। हाँ जी इंशाल्लाह। अभी तक आवाम सेटिस्फाई है, बाकी आवाम से जानते हैं। कैसा रहा आपका? सही है। मतलब इंतजामिया की तरफ कोई शिकायत? कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं। बेटे डालना, मैंने मेरी बेटी डालने गई है, लेकिन ठीक है, सेट है, एवरीथिंग इज ओके। ये तो नहीं कहेंगे कि धांधली हुई? नहीं नहीं, बाहर से तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। क्या कह रहे? मैं कहा कोई पता नहीं, क्लोजिंग होगी तो वे पता चलना वा। इंज तो सू उम्मीद है सारा आतफ मरान आतफ जीत्या पे इन शाला अल्लाह के हुक्म ना। कि आवाम तुम देखी? असं बड़ी आवाम देखी है, सारे है ही है। आइए आगे आवाम से जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वोट डाल दिया आपने? डाल दिए। कैसा रहा आपका? ठीक रहा। सही थे आप इंतजाम? हाँ नहीं ठीक है, स्लो थे बस, वो काम बहुत स्लो कर रहे थे, शायद वो इसलिए कि लोग कम आए, टर्न आउट कम करने के लिए वो कर रहे थे। बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि धांधली का इस तरह का सिस्टम नजर आया आपको? हमने वोट डाला, हमारे सामने तो धांधली कोई नहीं हुई। इंतजामिया मतलब सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी ठीक है, बेहतर है। हसास अदारे का कोई इंटरफेयर हुआ बीच में? नहीं नहीं नहीं। जी ठीक रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई का वोट डाला है और इंशाल्लाह पीटीआई ही जीतेगी। हमारा वोट था जी? नहीं, दूसरा वोट था, पहले भी पीटीआई को दिया था, इस दफ़ा पीटीआई को दिया। मतलब कोई शिकायत का मौका दिया इन्होंने? शिकायत का मौका नहीं है, बस ये था कि इन्होंने जो इंतखाबी निशान छीन लिया ना, ये गलत किया, ये बहुत ज़्यादा गलत किया उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह का नाबुदू का नस्ताइन। हमारा वोट सिर्फ इमरान खान का है और इंशाल्लाह इस हल्के में पूरी समोड़ है कि इमरान खान जीतेगा। हमें शॉट देने वाला इमरान खान है, और इंतजामिया ने आज बहुत गलत किया है। बहुत स्लो वोटिंग थी, हमारी वाम ज़्यादा थी और वोटिंग डालने के लिए जो इंतजामिया के इंतजाम बहुत स्लो थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा यकीन है कि इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। किसी की तरफ से कोई दुश्वारी का सामना हुआ? भाई दुश्वारी का सामना अभी तक कोई नहीं है, इंशाल्लाह वोटिंग गिनती होगी उसके बाद पता चलेगा। आप ये वोटिंग गिन के जाएंगे? जी इंशाल्लाह, हम अब खड़े हैं, खान को जीता आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बात है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वोट डाल दिया आपने? हाँ जी मैंने वोट डाल दिया। कैसा रहा? नहीं नहीं ठीक है, कोई मसला मसाले में पेश नहीं आया, मुकम्मल तौर पर उन्होंने हमें लाइनों में खड़ा करके इजी हमारी अपना CNIC कार्ड का नंबर भी लिया, कोई मसला मसाया नहीं, जिस तरह कम धक्का हो रहा है, कोई निजाम नहीं ऐसा है। तो आप बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हम ऐसा धांधली? नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी तक तो यहीं पे हैं, बाकी देख रहे हैं, वोट की हिफाजत भी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर।
कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे आप? इंशाल्लाह हमारी भाई राज नहीं जाएगा, हर समय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने डाल दिया वोट, कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जबरदस्त। दुश्वारी कोई सामना कोई इस तरह? हमें तो कोई दुश्वारी नहीं, मगर इधर लेडीज जो है ना उनके लिए थोड़ा सा हमला बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए परेशानी हो रही है। अब मैं भी उनको वापस लेने के लिए आया हूँ, छोटा सा बच्चा है वो रो रहा है घर पे। कब से आए हुए हैं आप इधर? मुझे 2-3 घंटे हो गए। ठीक हो गए, बाकी और कोई नहीं, बेहतरीन है, जबरदस्त है। बाकी और आवाम से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डाला आपने? हाँ जी सर। कैसा रहा आपका? अच्छा, इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी कमीशन है, सब कुछ सही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा देखा अपने अपनी होश में कि इलेक्शन पुरअमल माहौल में हो रहा है। मतलब किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आपने? कोई शिकायत नहीं। मतलब कल को आप ये तो नहीं कहेंगे भाई मैं ऐसा धांधली? नहीं नहीं, कोई नहीं आए, गलत बात करनी नहीं चाहिए, खुदा को जान देनी है, इसमें कौन सी बात, हमारे लिए सारे एक जैसे हैं भाई। बहुत शुक्रिया जी भाई, खिलाफ बात ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट डाला आपने? वोट डाला। कैसा रहा? ज़बरदस्त। कोई शिकायत, कोई दुश्वारी, कोई किसी भी किस्म का कोई परेशानी हुई हो आप? परेशानी नहीं, बेहतरीन। मतलब कल को आप ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मैं ऐसा धांधली? नहीं नहीं, धांधली तो होना ही होनी है, जड़ी होनी है, बाकी पीटीआई पीटीआई है, जिंदाबाद। वोट डाला आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह डाला है। कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी? कैसा रहा आपका वोट, मतलब के इस दफा का इलेक्शन जैसे कि सुनने में आ रहे थे वैसे ही रहे या आपको कुछ मुख्तलिफ देखने को मिला? बात ये है कि एक ना बच्चा होता है छोटा सा, उस बच्चे के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि यार शायद ये बच्चा मेरे लिए बाप के लिए अच्छा साबित हो, लेकिन वो बच्चा सबसे गंदी औलाद निकलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह पाक रहमान अपने नबी पाक के सदके, पंचतन पाक के घराने के सदके, हुसैन बादशाह के सदके, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फतह है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है। मुतमिन थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट दिया। ये देखें, मैं इस चीज़ का हलफ देता हूँ कि मैंने शेर पे मोर लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मियां नवाज शरीफ का सिपाहियों का भी सिपाही हूँ। कल को आप ये तो नहीं कहेंगे कि भाई कोई किसी भी किस्म की कोई धांधली हुई? अगर कोई कहे उनके लिए कोई पैगाम? मेरी बात सुने, धांधली पता क्या बात है, धांधली का एक सिस्टम होता है कि धांधली में बंदे को पता हो यार मेरे बाजू 20 किलो वजन चुक सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह असी पाकिस्तान मुस्लिम लीग असी 2.5 मान भी चुक सकते हैं। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट दिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका वोट? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। कोई दुश्वारी पेश आई? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सारा कुछ ठीक था जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डाला। कैसा रहा? ठीक। कोई इंतजामिया के लिए कोई शिकायत, कोई भी नहीं? उधर पुलिस स्टेशन में लेट कर रहे थे, 2-2, 3-3 घंटे लड़के खड़े रहे, लेकिन वो नहीं आया, फिर अफसर आया, उसको बोला तो फिर मिला टाइम। वैसे अब मुतमिन हो उसके बाद वो जो भी होता है तो? इधर तो अभी मुतमिन है, लेकिन लेट बहुत किया है, बहुत लेने लगी हुई है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लेट किया है हमें। मतलब गिनती के बाद ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे साथ जाती? कोई अभी तो गिनती होनी है ना, बाद में पता चलेगा ना क्या होता है, हमें तो अभी तो पता। अभी तक मुतमिन ने बात का कोई पता? अभी तो वोटिंग हम डाल के आए हैं, बहरहाल 3-4 घंटे लेट के बाद वोट डाला है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है 3-4 घंटे के बाद बारी आई हो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने डाला वोट? जी जी डाला। कैसा रहा? ज़बरदस्त। किसको डाला वो? इमरान खान। मुतमिन थे अभी तक? जी जी मुतमिन, ठीक है सब। ये तो नहीं कहेंगे कि धांधली हुई बात? नहीं नहीं नहीं, धांधली अब उन्होंने कहना धांधली हुई। आगे हैं जी, आगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट डाला आपने? जी। कैसा रहा सिस्टम? ठीक है माशाल्लाह। मतलब कुछ डिफरेंट लगा आपको पुराने इलेक्शनों से और अब में? यानी कि आराम से ही था, सुकून ही था जहाँ पे हमने डाला है। ये तो नहीं कहेंगे बाद में धांधली? नहीं, फिलहाल वहाँ पे तो नहीं था ऐसा सिस्टम अभी तक। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। वोट डाला आपने? जी वोट डाला जी। कैसा रहा आपको सब कुछ? हाँ माहौल तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह, पुरमन था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस दफ़ा भी ना नून लीग वालों ने दादरी करने की पूरी कोशिश की है। वो एक बैलेट पेपर होता है कौमी असम्बली का, एक होता है अपना सूबाई असम्बली का। जो सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर के ऊपर अगर एमपी का निशान बना हुआ है रेडियो, ठीक है,
तो वो एक निशान रेडियो का कौमी असम्बली के भी ऊपर भी बना हुआ है। तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं समझ सकते, वो सफेद पेपर पे निशान लगाने की बजाय वो सफेद पेपर पे निशान लगा देते हैं, मतलब वो हाँ उल्ट हो जाता है। तो इस तरह ना इंसान मतलब गरीब लोगों का वोट ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है, इनको चाहिए कि एक निशान जो है ना, बस एक उम्मीदवार को एक ही निशान दें, उससे मिलता जुलता निशान किसी और ना दें। इस तरह वोट बहुत सारे वोट ज़ाया होते हैं, कैंसिल होते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं समझता हूँ कि ये सरासर फ्रॉड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ठीक है। मतलब आप मुतमिन नहीं नजर आए निशान के वाले? हाँ, निशान के वाले से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो नाम पढ़ के आगे निशान बना होता है, उस पर स्टंप लगा सकते हैं। जो अनपढ़ है उनको नाम तो पढ़ना नहीं आता होता, वो देखते हैं कि निशान होता ही इसलिए कि मतलब जो नहीं पढ़ सके। हाँ बिल्कुल, इस तरह है, जो अनपढ़ लोग हैं उनसे गलती हो जाती है। सूबाई असम्बली के पेपर पर जो निशान लगाना है वो कौमी असम्बली पर लगा देते हैं, क्योंकि निशान इधर भी रेडियो बना हुआ है, उधर भी रेडियो बना हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ा मसला बना हुआ है। ज़्यादातर आवाम को सिर्फ यही मसला देखने को पेश आया कि जो निशान को लेकर वो डबल माइंडेड हुए, जो कौमी असम्बली का था और जो सूबाई असम्बली के जो निशानात थे वो दोनों तरफ से सेम थे। अगर बंदा कोई कौमी असम्बली पर निशान लगाना चाहता था तो फ़र्ज करे कि रेडियो का लगाना था तो वो सूबाई पर लगा देता था, जिसकी वजह से निशान गलत लगे उसका वोट ज़ाया हो जाता था। बाकी जो ज़्यादातर अवाम मुतमिन थी आज के इलेक्शन के हवाले से, दूसरा सिर्फ निशान के लिए जो गए मुतमिन नहीं थे। कुछ अवाम का ये भी कहना था कि अभी तक मुतमिन ने गिनती के बाद हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी भी हम आपके जो आगे अपडेट्स होंगी वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेकबाद।